कृष्णियों से और यादवों से इनसे मेरा कनेक्शन खत्म करूंगा, मेरी जो इनके प्रति अटैचमेंट है ये खत्म करो भगवान। तो भगवान कहेंगे मैं भी कृष्णी वंश का हूं, मेरे से भी खत्म नहीं, आप मेरा ये जो लगाव इनसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाला। कुंती महारानी कहती है कि जो मेरा लगाव है इनसे कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे बेटे हैं, मेरा पुत्र है, ये मेरा मेरा जो है ये मेरा वाला खत्म करो। क्या रखो, ये भी भगवान के भक्त हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं, सब भगवान, ये मेरा मेरे जो परिवार वाले हैं उनसे मेरा वाला कनेक्शन खत्म करके वैष्णव है करके संबंध में रहना चाहिए। इस तरह से कुंती महारानी की शिक्षाएं होती हैं और उसके बाद भगवान कुंती महारानी की शिक्षा पूरी प्रार्थनाओं को सुन के बस एक स्माइल देते हैं बस। एक और बीच में वो बोलती हैं कि जब मैं एक बार वृंदावन आई थी तो उस दिन कुंती महारानी जब आई थी दिवाली के समय, तो उस दिन दामोदर लीला हुआ था। तो कुंती महारानी आज कह रही हैं जब भगवान जा रहे हैं कि उस दिन जब मैं आई थी तो उस दिन तो आप बड़ा छोटे से बच्चे के रूप में रो रहे थे, माँ की छड़ी से डरे हुए, बिल्कुल रुदंतम मुहुर नेत्र, पूरा सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखों से आंसू, डरे हुए एकदम से, है ना, उस दिन दिवाली वाले दिन है? तो उस दिन नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्या है, है ना, बाद में आप अभी अभी देखो आपने क्या किया, ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जिस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी प्रार्थनाएं सुन के। और फिर परीक्षित महाराज का जन्म, ब्राह्मणों ने उनके जन्म के बारे में, जन्म के समय बड़ा परीक्षित महाराज के बारे में तारीफ किया कि ये पूरे वंश को ख्याति प्रदान करने वाला पुत्र है और पूरे वंश को ये ख्याति प्रदान करेगा और अंत में इसको जो है एक ब्राह्मण का शाप मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज डर जाते हैं पर कहते हैं डरने वाली बात नहीं है, भगवान की इच्छा है, ब्राह्मण का शाप मिलेगा और ये अंत में भागवतम को सुन के सुखदेव गोस्वामी के मुख से और भगवत धाम को जाएगा। ये भविष्यवाणी उनके जन्म के समय परीक्षित महाराज की हुई। इसके बाद भगवान ने कहा चलो ये चैप्टर ये वाला भी खत्म हुआ, अब तो मुझे घर जाने दो है? भाई घर जाना चाहिए भाई, रिश्तेदारी में एक दो दिन रह जाता है, यहाँ 6-6 महीने हो गए और एक पत्नी वाला अपना घर नहीं छोड़ पाता, तो मेरे तो 16,108 है, तो जाने दो भाई। तो भगवान फिर जब जाने के लिए तैयार हुए तो युधिष्ठिर महाराज आ गए बिल्कुल उदास, क्या हुआ, बोले अरे इतने लोग मर गए मेरे कारण। भगवान कहते यार ये लोग जाने नहीं देंगे लग रहा है। तो भगवान कहते अब चलो, है ना। तो यहाँ पे एक वर्णन है कि भगवान ने वही गीता, वही शोक अर्जुन को हुआ, वही शोक युधिष्ठिर को हुआ, गीता सुना के अर्जुन का शोक, जो अर्जुन का जो मोह था वो भगवान ने गीता सुना के नष्ट कर दिया और युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है वो भगवान ने कहा कि कुछ भगवान का चल रहा भीष्मदेव के पास चलते हैं, वो आपको बताएंगे। बात क्या थी कि भीष्मदेव ने लड़ाई लड़ी कौरवों की तरफ से, तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भ्रम रहे कि भीष्मदेव तो गलत थे, तो भगवान यहाँ पे सिद्ध करना चाहते थे कि भीष्मदेव मेरे सबसे बड़े 12 भक्तों में एक हैं, आइए आज हम उनसे सुनेंगे। तो यहाँ पे जब भीष्मदेव प्रवचन देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो बड़े बड़े यहाँ तक कि भीष्मदेव के गुरु परशुराम भी वहां आते हैं सुनने के लिए, सभी भगवान स्वयं रहते हैं। और दूसरा शिव प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य कि भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको भगवान उनके अंतिम समय में उनके सामने खड़े होकर उनकी भक्ति को सिद्ध करना चाहते। तो कहते हैं कि किसी अगर किसी ने पूरे जीवन भर अच्छे से भक्ति की है तो अगर मृत्यु के समय उसको किसी कारण बस भगवान का नाम याद नहीं भी आया तो क्या होगा। आजकल जो है ना कोमा में है कोई,
तो उस स्थिति में ये एग्जाम्पल भागवतम सिखा रही है कि उस स्थिति में भगवान स्वयं आते हैं उसकी जीवा पे नाम के रूप में। यहाँ पे भगवान भीष्मदेव को स्वयं दर्शन दे रहे हैं। भीष्मदेव कहते हैं कि मैं धन्य हो गया कि आज मेरे सामने स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और मैं बस इसी रूप को देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। भीष्मदेव शरीर छोड़ते हैं और युधिष्ठिर को बहुत सारा ज्ञान देते हैं जो कि भागवतम में बस एक श्लोक में बताया है, बाकी सब में है। तो इसके बाद परीक्षित महाराज अपना राज चलाते हैं। अंत में एक बार घूमते हुए वो देखते हैं कि एक गाय रो रही है और एक बैल वहां पे खड़ा हुआ है, वो भी रो रहा है, और एक राजा के भेष में काला सा आदमी उस बैल को मार रहा है। बैल की तीन टांगे ऑलरेडी तोड़ चुका है, चौथी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस है ना। तो उस समय महाराज परीक्षित वहां पहुंचते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं ये क्या चल रहा है, तुम कौन हो करके पूरा उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। भूमि जो गाय है वो भूमि देवी एक्चुअली में गाय के रूप में है, और जो धर्म है वो बैल के रूप में, दोनों आपस में बात करते हैं। धर्म कहते हैं आप क्यों इतने उदास हैं, तो भूमि कहती है कि भगवान चले गए हैं, यहाँ इतना पाप बढ़ गया है इस वजह से मैं उदास हूँ। और धर्म भी कहते हैं कि ये कलयुग के प्रभाव से मेरे तीन पैर जो ऑलरेडी धर्म के चार स्तंभ होते हैं तीन ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, और चौथा जो है सत्य थोड़ा बहुत कलयुग में बचा हुआ है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये व्यक्ति जो तुम्हें मार रहा है यही तुम्हारा कारण है, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो जैसे इसको मारने के लिए तलवार खींचते हैं तो कलयुग भी चतुर था, उसने क्या किया, उसने तुरंत परीक्षित महाराज की शरण लेगी, राजा मैं आपकी शरण में, शरण में आए को कैसे मार सकते हैं। तो परीक्षित महाराज से कहता है कि आप राजा हैं, आप समझदार हैं, जानते हैं अब मेरा समय आने वाला है, आप मुझे जगह दें, मैं आपकी शरण में, आप मुझे भी जगह दें। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, चार जगह दूतम पानम स्त्री सुना, इन चार जगह में आप जो है रह सकते, दूतम जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे जुआ होता है, पानम जहाँ पे नशा होता है, दूतम पानम इस जहाँ पे अवैध संबंध होते हैं, सूना जहाँ पे इंद्रिय भोग के लिए दूसरे जानवरों को मारा जाता है, दूसरे जानवर और इंसान किसी को भी मारा जाता है, इन चार जगह में आप रह सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा ये चार काम नहीं करने, हमारे इस्कॉन में फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल है कि अगर प्रभुपाद जी कहते हैं चार चीजें नहीं करेंगे कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो परीक्षित महाराज से चार स्थान पा के कलयुग गया। तो बाद में कलयुग कहता है कि भाई ये तो कहीं मिला ही नहीं जगह, क्यों परीक्षित महाराज के राज में चार काम नहीं होते थे, तो उसको जगह नहीं मिली, फिर तो मैं कहाँ रहूं, कुछ और जगह दीजिए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, जहां पे सोना ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक जहाँ सोने का संग्रह हो रहा है वहां जाके रह जाओ, धन का जहाँ जरूरत से ज्यादा धन है वहां पे आप रह जाओ। इसलिए देखेंगे जहाँ भी जरूरत से ज्यादा धन होगा वहां कलह होगा, कलयुग का यही लक्षण है, कलह, लड़ाई, जहाँ आपस में जहाँ लड़ाई होने लगे तो वहां समझिए कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। जहां हमें लगे कि जहाँ कलयुग का प्रवेश हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि कहीं ये पांच चीजें तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये पांच चीजें ही कलयुग का निवास स्थान है। अगर ये पांच चीजें नहीं है तो कलयुग के प्रभाव से हम पूरी तरह से बचे रहेंगे। इस तरीके से जो है परीक्षित महाराज के राज्य का वर्णन, और वही बात आती है कि परीक्षित महाराज फिर जो कल बताया था लास्ट में जो है श्रृंगी के श्राप के कारण, और अंत में अपना उनका साप जो उनको मिला उसकी वजह से सब कुछ छोड़ के परीक्षित महाराज वे गंगा तट पर बैठ गए, और वहाँ पे ऋषियों से वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप के बीच में सुखदेव गोस्वामी जो है आ जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी, यहाँ से द्वितीय स्कंध शुरू होता है कि सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि हैं, संत हैं, तो दिशाएं ही कहते हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र है। तो वो जब वहां से
जा रहे थे, जहां से भी निकलते थे सुखदेव गोस्वामी, कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं, पूरा 16 साल की उम्र उनकी यंग, जहां से भी निकलते थे। और श्याम वर्ण है, जैसे भगवान सुंदर है ऐसे सुखदेव गोस्वामी सुंदर, बहुत सुंदर है। और जहां से वो निकलते हैं उधरी लोग उनको देखने लगते हैं, और स्त्रियां और बच्चे उनके पीछे पीछे भागते, उनका मजाक बनाते हैं। तो वो ऐसे जा रहे थे और सारा एक झुंड पीछे बच्चों का और स्त्रियों का उनके पीछे हंसते हुए मजाक बनाते हुए, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ फेंक रहे जा रहे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस चले जा रहे। तो ऐसे जाते हुए जहां पे ये परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, बाकी और ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं सभा में, डिस्कशन चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है कि परीक्षित महाराज के जीवन के 10 दिन बचे, कितने दिन बचे, 7 दिन बचे हैं। तो उन 7 दिनों में परीक्षित महाराज को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने इन अंतिम 7 दिनों को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। ये चर्चा वहां चले थी, वहां पे सुखदेव गोस्वामी एंटर करते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी, अब वहां पे कोई फेसबुक वेसबुक नहीं चलता था कि सब जान जाए कि यही सुखदेव गोस्वामी आ गए, नहीं, पर जब वहां पे आए उस सभा में तो सब जान गए उनके तेज को देख के कि ये कोई, कुछ तो जानते थे, कुछ ये जान गए कि ये कोई ना कोई तो बहुत पहुंचा हुआ है व्यक्ति है। बच्चे नहीं समझे, क्योंकि जो जिस समझ का होता है वो उसी समझ पे देख पाता है। तो जब वो आए तो सारे लोग खड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब खड़े हो गए, किसके सम्मान में, सुखदेव गोस्वामी के सम्मान। जब और सबने उनको रास्ता दे दिया, आइए आइए आइए। तो जब ये बच्चे इनके पीछे भाग रहे थे ना, सारे पत्थर मार रहे थे, सब कर रहे थे, जब इन्होंने देखा कि यार सब खड़े हुए हैं, ये थोड़ा शांत हो गए, कोई बड़ा आदमी लग रहा है। तो उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी वहां बैठे, उनको स्थान दिया गया सबसे ऊंचा, और वही आप फोटो में देखते हैं, देखा होगा आपने भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए नीचे, परीक्षित महाराज बैठते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं वही कि आप हमें इस रहस्य को सुलझाएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी अपना प्रवचन शुरू करते हैं। पहले तो भक्ति योग का निरूपण करते हैं कि वही चीज जो सुखदेव गोस्वामी ने बताई, वही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मनुष्य को जो करने योग्य एक चीज है वो क्या है, भक्ति। ठीक है, तो पहले 3 अध्याय में भक्ति योग के बारे में विस्तार से वर्णन है, और उसके बाद 4th-7th अध्याय तक सृष्टि के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब सृष्टि का वर्णन पूछा गया तो ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद बताते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी यही प्रश्न पूछा था कि नारद जी कहते हैं, अब ये आप समझ ना, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो है भक्ति ही करनी है, बस भक्ति क्या, श्रवण कीर्तन। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसा एक बार और डिस्कशन हुआ था, वो डिस्कशन में आपको बताता हूँ। तो नारद जी का वर्णन है यहाँ पे, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि लग रहा आपने ही तो सारी सृष्टि करी है, और जो कुछ भी सृष्टि में आपने बनाया है आपने सब, तो हमें तो यही लगता है कि आप ही हो सब कुछ, है ना, सब करने वाले कौन हो आप, और जो कुछ हो रहा है सबको कंट्रोल कौन करता है, आप। कौन कह रहा है, नारद, किससे, ब्रह्मा जी से। नारद जी कहते हैं ये सब ठीक है, लेकिन एक डाउट है, क्या, कभी कभी हमने देखा है कि आप भी किसी का भजन करते हो, तो जब आप सबसे श्रेष्ठ हो, पूरी सृष्टि आपने बनाई है, तो आप किसका भजन करते हो, आपसे भी ऊपर कोई है क्या, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसका भजन करते हैं, और या फिर आप मतलब हमें आप बताएं इस बारे में कि ये है क्या,
हमें तो ये लगता है कि आप ही सब करते हो, ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबसे ऊपर नहीं हूं और मेरी सृष्टि, फिर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि बताते मैं कैसे आया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो है मैं जो कुछ भी मैंने किया है ये ज्ञान मुझे कृष्ण से मिला है। तो फिर वो स्टोरी बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ कमल, तो जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता, सब अंधेरा था, कमल का एक फूल था उस पर मैं बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि क्या करना है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सृष्टि कैसे करें, क्या करें, क्या होना चाहिए। मैं तो वो इसकी खोज में उस कमल की नाल के अंदर ही चले गए, 100 सालों तक अंदर गए, उनको कुछ पता नहीं चला, फिर वहां से बाहर निकल के आए तो उन्हें फिर कुछ पता नहीं चला। तो एक शब्द सुनाई दिया तपा, ब्रह्मा जी ने उसको सोचा कि हमें तपस्या करनी चाहिए, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए, वैकुंठ के दर्शन हुए, भगवान ने उनको ज्ञान दिया 4 श्लोकों से लेकर 4 श्लोकी भाग। उस 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान जो है भगवान ने दिया। और भी चीज बताते हैं भगवान के अवतारों के बारे में, है ना। इसके बाद ब्रह्मा जी का, और ये पहली भागवतम है अगर आप ऐसे देखेंगे तो, जो ब्रह्मा ने नारद को सुनाया 4 श्लोक में, यहां से भागवतम आई है। और ये भागवतम किसने सुनाई थी, कृष्ण ने बांसुरी बजा के ब्रह्मा को ये भागवत। इसी का एक्सप्लेनेशन डिटेल में ब्रह्म संहिता में है ना, जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तो बदले में भगवान को जो प्रार्थनाएं की ब्रह्म संहिता, वो पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें आता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम बचाऊ। तो इसके बाद सिद्ध गोस्वामी जो है कहते हैं कि एक्चुअली जो कुछ भी प्रश्न थे परीक्षित महाराज के पहले के 3 अध्याय में सिद्ध गोस्वामी ने उनका आंसर दे दिया 32 स्कंद के। तो परीक्षित महाराज को लगा ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, अभी तो बहुत समय है 7 दिन का। तो फिर उन्होंने फिर आगे प्रश्न किया कि विस्तार से बताइए भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, और जो कुछ मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ वो भी बताइए, और जो मैंने पूछा है अगर आपको लगे कि मैं वो जानने योग्य हूँ, मुझमें योग्यता है, तो आप बताइए, है ना। कि जो मैं शिष्य हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तो मैं कुछ गलत चीज भी पूछ सकता हूँ जो मेरे यूज की ना हो, तो अगर मैंने कुछ ऐसा पूछा जो मेरे फायदे का नहीं है, और कंडीशन है कि उसमें कृष्ण कथा नहीं आती, तो बताओ मत। कोई चीज मैंने पूछी है उसमें कृष्ण कथा नहीं आ रही है तो वो भी मत बताओ, और जो मैंने नहीं पूछ पाया और रह गया है कृष्ण कथा से संबंधित वो बताओ, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी आगे उनको और विस्तार से बताते हैं। तो भागवतम में फिर आगे इसलिए 10, जो मैंने कल बताया था कि 10 टॉपिक मेनली भागवतम में डिस्कस होते हैं, है ना। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 है। सर्ग विसर्ग, अब कुछ चीजें ना आप याद कर सकते हो, तो आपको मतलब भागवतम अगर हमने पढ़ा है या सुना है तो कुछ चीजें ऊपर बोलो तो पता होना चाहिए, है ना। कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, ये 335 अध्याय हैं भागवतम में, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 18 किताबें हैं, ठीक है। और 10 क्या है, विषय है भागवत। हर कोई पुराण तब होता है जब उसमें ये 10 बातें चर्चा की जाती है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतया मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय, याद हो गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतया मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय। सर्ग माने
भगवान ने जो सृष्टि की उसे कहते हैं सर्ग। जितना ब्रह्मा जी के पैदा होने से पहले जो जो हुआ वो क्या हुआ? सर्ग। यानी कि ये मकान प्रभु जी ने बनाया, इस मकान को मान लीजिए प्रभु जी के पिताजी ने इनको खरीद के दिया जगह, तो जो जो पिताजी ने करके गए वो क्या हुआ? फिर बाद में प्रभु जी ने बनाया वो क्या हुआ? अरे वाह, वो हुआ विसर्ग, है ना। तो रितिश पूछ रहा है प्रभु जी से कि हमें तो सब कुछ आपने ही बनाया है, ये तो आप क्यों कभी कभी कुछ सी और का ध्यान करते? तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, मुझे कुछ तो बना बनाया पहले से, रॉ मटेरियल किसने दिया, जगह खरीद के किसने दी? मेरे पिताजी। अच्छा, तो वो बताओ वो कैसे हुआ? तो वो ब्रह्मा जी बताते हैं डिटेल में, उसे क्या कहते हैं सर्ग। भगवान जितना किए, और भगवान क्या किए कि सारा रॉ मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, अब आप करो आगे। तो जितना भगवान ने किया वो सर्ग, उसके बाद जो द्वितीयक सृष्टि है वो है विसर्ग। स्थान माने भगवान ने सभी जीवों के लिए, अब सर्ग विसर्ग आता है आपका प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में इसकी चर्चा होगी। और फिर स्थान माने भगवान ने सभी जीवों के लिए कुछ ना कुछ स्थान दिया है उनको रहने के लिए, है ना। तो वो है स्थान। उसके अंतर्गत पांचवें स्कंद में जो भूमंडल का जो वर्णन आएगा ना, 14 लोक हैं, कहाँ सूरज है, कहाँ चंद्रमा है, है ना, कहाँ धरती है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, ये सब वर्णन आएगा। किसको कहाँ स्थान दिया गया है, कहाँ देवता रहते हैं, कहाँ राक्षस रहते हैं, है ना, कहाँ पापी लोगों को भेजा जाता है, ये सब कहाँ आएगा? पांचवें स्कंद में आता है। इसको क्या कहते हैं? स्थान। ये तीसरा। इसके बाद पोषण। पोषण माने जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान स्पेशल ध्यान रखते हैं, खास, उसको कहते हैं पोषण, है ना। जैसे कुछ गड़बड़ भी अगर हो जाए, है ना, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, है ना, तो इसे कहते हैं पोषण। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। ऊती। ऊतिया या ऊती माने जो हमारी या जीव की जो वासना है पिछली, है ना, अच्छी या बुरी, उसकी वजह से वो जो काम करता है उसे कहते हैं ऊती, है ना। जो पहले कुछ हुआ जीवन में उसका इम्प्रेशन या दिमाग में कुछ छाप रह गई है, उसकी वजह से आज हमसे कुछ चीजें होती हैं, है ना, इसे कहते हैं ऊती। तो इसका वर्णन है ना, टेक्निकल हो रहे प्रिया है, है ना। तो फिर है मनवंतर। मनवंतर माने मनवंतर जो पूरी सृष्टि जो चलती है, ये चलती है जैसे हमारे भारत देश या कोई भी देश जो है, ये इसको कौन चलाता है? सरकार, है ना। सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये पूरी सृष्टि चलाने के लिए भी एक सरकार होगी, उस सरकार को कहते हैं मनवंतर सरकार। उस मनवंतर सरकार का वर्णन है आठवें स्कंद में, ठीक है। मनवंतर माने मनवंतर सरकार जो होती है उसका हेड होता है मनु, तो उन मनुओं के बारे में वर्णन है आठवें में, डिटेल में वर्णन है, पर तृतीय स्कंद से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ईशानु कथा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भाग द्वितीय स्कंद के दसवें अध्याय में यही है ना, इंट्रोडक्शन। फिर ईशानु कथा माने भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में कथा। निरोध माने प्रलय के बारे में चर्चा। मुक्ति माने जीव की मुक्ति के बारे में चर्चा। आश्रय माने सबका जहाँ शरण है भगवान श्री कृष्ण, उनका वर्ण। इस तरीके से ये दस चीजें जो है आप याद रख लीजिए, ये भागवतम का विषय है, ठीक है।
अत्र सर्ग विसर्गस्य आप बोलिए अत्र सर्गो विसर्गस्य अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण ऊतया स्थानं पोषण ऊतया मन्वंतर ईशानु कथा मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया निरोधो मुक्तिराश्रया अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतया मन्वन्तरीशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया बोले कौन बोले एक एक करके जी अभी आप लोग का नंबर है देख लो तो याद होगी ना आपको अत्र सर्ग विसर्ग सर्ग विसर्ग दो स्थान पोषण उद्या पांच मनोन्तर सात निरोध मुक्ति आश्रय दस ठीक है ये दस में पूरा बारह स्कंद हो जाएंगे ठीक है इसके बाद परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और कि जो कि उद्धव और विदुर जी के संवाद में जो बातें हुई हैं उसके बारे में पूछा है कि कैसे विदुर जी उद्धव को मिले कैसे मैत्री ऋषि से बातचीत हुआ तो उसके बारे में भी हमें आप बताएं तो वो आगे शुरू होता है कि पहला प्रश्न है कि कब और कहाँ विदुर जी मैत्री से मिले दूसरा प्रश्न है विदुर पुरुष अवतारों के विदुर ने अब पहले तो उनकी मुलाकात हुई फिर विदुर ने भी वही पूछा पुरुष अवतारों के बारे में बताइए विराट रूप के बारे में बताइए लीला अवतारों के बारे में बताइए और विभिन्न ग्रहों के बारे में और जीवात्मा के बारे में फिर विदुर ने इस तरह से जो प्रश्न किए तो उसके उत्तर में बताते हैं कि एक बार जब महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान जब शांति दूत बन के गए तो भगवान की तो बात मानी नहीं दुर्योधन ने भगवान वहाँ से नाराज होकर आ गए भगवान ने कहा अब तो लड़ाई होगी और भगवान आ गए तो धृतराष्ट्र को लगा कि यार भगवान कृष्ण नाराज होकर गए हैं तो क्या करना चाहिए विदुर से पूछते विदुर इस यहाँ पे जो विदुर वर्णन करते थे विदुर नीति बड़ी फेमस है विदुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं और यमराज ही स्वयं विदुर जी बन के आए हैं ना आपने सुना होगा है ना ये तो एक बार एक मांडव ऋषि थे तो उनको जब वो छोटे थे है ना तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने आश्रम में थे तो एक बार कोई चोर ने चोरी करी होगी और भागते भागते इनके आश्रम में छिप गया तो राजा के सैनिक आए तो चोर को तो पकड़ा है ऋषि को भी पकड़ ले बोले सब एक साथ ही होंगे एक ही है ना तो उसको ही पकड़ के ले गए सबको कहा सूली पे चढ़ा दो तो जब सूली पे चढ़ा दिया ऋषि को भी तो उसके बीच में कहीं से ना कोई दूसरी फाइल निकाल के ले आया करके कि ये तो निर्दोष है इसको छोड़ दो ऐसा होता ना मूवीज में कभी कोई लास्ट मोमेंट पे वो बेचारे को सूली पे बिठा दिया थोड़ा सा उसको कष्ट मिला भी जो पनिशमेंट जो दंड है थोड़ा सा उसको मिला और मरे ना इससे पहले वो लेके आ गए रुको रुको ये फांसी नहीं होनी चाहिए है ना तो क्या हुआ बोले नहीं ये पापी नहीं इन्होंने गलती नहीं करी इनको छोड़ दो उसको बाकियों को तो इनको छोड़ दिया तो इन्होंने ना यमराज से क्वेश्चन कर दिया कि मेरी गलती क्या थी
जो मुझे ये कष्ट, क्योंकि हर जो जीवन में कष्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे किसी गलती का परिणाम है, तो मेरी गलती, अब ये तो ऋषि है, विश्व पता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, इतने अच्छे से मैं कर रहा हूँ, तो मेरी कोई गलती नहीं, तो कैसे आपने मेरे को कष्ट दिया। धर्मराज कहते हैं नहीं भाई, हमारे पास सबका डेटाबेस है, और आपने ना जब आप छोटे से, तो एक टिड्डा जब ना उछलने वाला कीड़ा, हाँ जो भी, तो उसके पीछे आपने एक कांटा चुभाया था, तो वो उसका रिएक्शन, उसका जो परिणाम है वो आज आपको मिला है। तो वो कहते हैं कि भाई हम तो उस समय बच्चे थे, हमें क्या पता कि क्या सही क्या गलत है ना, छोटे से बच्चे हम 5 साल के, तो हमें क्या पता हमने क्या गलती करी है ना। तो फिर जब हमने कोई चीज गलती करी है, अनजाने में करी, तो उसकी सजा मुझे क्यों। तो यमराज ने कहा